चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से देखना रेशियो कैलकुलेशन में। अब यहां पे क्या केस है ध्यान से देखना, हमें केसेस याद नहीं करने, बस समझना है थोड़ा सा कि रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा। अब जो करने वाले हैं उसमें क्या होगा, व्हेन द ओल्ड पार्टनर्स, या सबसे सिंपल चीज क्या होगी, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन बट कैन बी कैलकुलेटेड। एक्चुअल सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन, एक्चुअल सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन बट कैन बी कैलकुलेटेड। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। न्यू रेशियो क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जहां पे हम एक्चुअल सैक्रिफाइस किसने कितना दिया वो माइनस कर दो तो न्यू रेशियो आ जाएगा। कह रहा है कौन कितना दे रहा है एग्जैक्टली गिवन नहीं है बट कैलकुलेट किया जा सकता है, वो इंफॉर्मेशन ऐसी दे रहे हैं जिससे आप ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन कितना एक्चुअली सैक्रिफाइस कर रहा है। ध्यान से देखना इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना, भारती एंड आस्था वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दे एडमिटेड दिनकर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, तो दिनकर का शेयर क्या है 1/5, विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। कौन कितना दे रहा है एग्जैक्टली गिवन नहीं है बट ये बता रहा है कि दिनकर को जो भी मिलेगा ना ये दोनों आधा आधा देंगे, तो इनका आपस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो गया 1:1। इक्वली मतलब 1:1। क्या एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन है कि एक्चुअली कौन कितना दे रहा है, नो, बट एक छोटे से स्टेप से निकाली जा सकती है। ध्यान से देखना, भारती आस्था 3:2, भारती आस्था 3:2, क्वेश्चन नंबर 5 है। ओके, दिनकर एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, दिनकर एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर। अब ये 1/5 उसको कौन दे रहा है, ध्यान से देखना, दिनकर इज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर विच ही गॉट इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। ध्यान से देखना कौन दे रहा है, भारती एंड आस्था। एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन नहीं है, मैं अभी क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, एक्चुअल सैक्रिफाइस। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैक्रिफाइस कि कौन कितना दे रहा है, भारती कितना देगी 1/5 का हाफ, आस्था कितना देगी वो भी 1/5 का हाफ, तो भारती कितना देगी 1/10, आस्था कितना देगी 1/10। ये बात समझ आई, अब आपके पास एक्चुअल सैक्रिफाइस आ गया, आप प्रीवियस केस पे ही पहुंच गए। अब एक्चुअल सैक्रिफाइस आपके पास है तो आप क्या कर सकते हो, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो माइनस क्या कर रहे होते हैं यहाँ पे एक्चुअल सैक्रिफाइस। तो भारती का न्यू रेशियो, भारती का ओल्ड रेशियो क्या था, ओल्ड रेशियो था भारती का, आपस में रेशियो क्या था 3:2, मतलब 3/5, कितना दिया उसने 1/10 इज द एक्चुअल सैक्रिफाइस, तो 5 2 3 2 6 -1 5/10। भारती आस्था ओल्ड रेशियो 2/10 -1/10, ठीक है, तो कितना बच गया 1/10, और जो नया पार्टनर है दिनकर उसको क्या मिल रहा है 1/5, और अगर 10 के टर्म में बात करें तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2/10, नहीं कहीं हमने कुछ खा गए, 2/ सॉरी मैंने यहाँ पे 2/8, तो हमें टोटल, अभी मैंने आपको बताया था ना कि हमें टोटल कर देना चाहिए न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर का टोटल करा 5 + 1 6 2 8, मेरे तो टोटल 10 आना चाहिए, तो गलती हुई, तो गलती मुझे क्या दिख गई सीधा ही, ये 2/5 था, आस्था का शेयर था 2/5, मैंने वो 10 के चक्कर में गलती से, इतने सारे 10 थे तो मैंने आस्था का 2/10 लिख दिया, क्या था उसका
टू बाई फाइव। तो ये स्टेप हमेशा करना चाहिए कि न्यूमरेटर्स को टोटल कर दो, कोई गलती होगी तो इमिजिएटली पकड़ी जाएगी। टू बाई फाइव माइनस वन बाई टेन, तो क्या हो जाएगा, टू, फोर माइनस वन, थ्री। ध्यान से देखना, फोर माइनस वन बाय टेन विच इज इक्वल टू थ्री बाय टेन। तो न्यू रेशियो क्या हो गया, फाइव इज टू थ्री इज टू टू, भारतीय आस्था दिनकर। अगर अब मैं पूछता कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भारतीय कितना सैक्रिफाइस कर रही है, वन बाय टेन, आस्था कितना सैक्रिफाइस कर रही है, वन बाय टेन, ये उनकी एक्चुअल सैक्रिफाइस है, ये क्या है उनकी एक्चुअल सैक्रिफाइस। अगर पूछो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, वन इज टू वन, ये ध्यान रखना। तो रेशियो कैलकुलेशन में जो यूज होता है वो एक्चुअल सैक्रिफाइस होती है। आगे जाके जो मैं कैलकुलेशन होगा ना कि इनका इनका किस रेशियो में बांटना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सैक्रिफाइसेस को कंपेयर करके कैलकुलेट करा जाता। इंटरेस्टिंग केस था, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन बट इट कैन बी कैलकुलेटेड। अब इसके वेरियंट हो सकते हैं, इसमें क्या था, जो नया पार्टनर आ रहा है उसको वन फिफ्थ मिल रहे हैं, वो कौन दे रहा है, रिमेनिंग पार्टनर्स इक्वली दे रहे हैं, तो उससे कैलकुलेट करके पता चलेगा कौन कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। वो अगर किसी स्पेसिफिक रेशियो में दे रहे होते, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आप अपने आप करेंगे, जैसे सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेम है एग्जैक्टली, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2, जेड इज एडमिटेड एज अ पार्टनर विद 1/4 शेयर इन द फर्म इन द प्रॉफिट्स, जेड टेक्स हिज शेयर फ्रॉम एक्स एंड वाई इन द रेशियो 2:1। तो पहले वो 1:1 के रेशियो में दे रहे थे, अब वो 2:1 के रेशियो में दे रहे हैं, 1/4 उसको मिल रहा है, तो x कितना दे रहा है, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैक्रिफाइस, फिर से क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल सैक्रिफाइस, x कितना देगा, 1/4 देना है ना, 1/4 इंटू 2/3, y कितना देगा, 1/4 इंटू 1/3, तो 2:1, 2/3, 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x की एक्चुअल सैक्रिफाइस क्या आई, 2/12, और y की क्या आई, 1/12, ये एक्चुअल सैक्रिफाइस है। ओल्ड रेशियो से माइनस कर देंगे तो एक्स और वाई का न्यू रेशियो आ जाएगा, जेड को तो मिली कितने रहे हैं, 1/4, टोटल टर्म्स में 3/12, सेम है अपने आप करेंगे। फिफ्थ को समझेंगे, उसके बेसिस पे सिक्स्थ अपने आप करेंगे। केस क्या सीखा हमने इसमें, व्हेन द एक्चुअल सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन बट इट कैन बी कैलकुलेटेड। तो कभी आपको एक्चुअल सैक्रिफाइस गिवन होगी, कभी आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो याद थोड़ी ना करने, वो क्वेश्चन रीड करके पता चल जाएगा, अच्छा इसमें ऐसे करेंगे इसमें वैसे करेंगे। अगर वो आपको अपने आप नहीं पता चल रहा, अटक रहे हो, तो मतलब आपको समझ नहीं आया, तो आराम से कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। रेशियो कैलकुलेशन ढंग से करे बिना प्लीज आगे नए कॉन्सेप्ट मत कर।